गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत मजे में होंगे और मजे में ही होना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आप लोगों यहाँ पे मेरे पास दो प्रोडक्ट है उपकर्मा आयुर्वेदा का, एंड इसमें से फर्स्ट जो है वो है उपकर्मा आयुर्वेदा प्योर शिलाजीत रेसिन फॉर्म, जो कि 15 ग्राम क्वांटिटी के साथ आता है। एंड जो सेकंड है मेरे पास वो है उपकर्मा आयुर्वेदा प्योर शिलाजीत लिक्विड फॉर्म, यानी कि ये जो है रेसिन फॉर्म में है एंड ये जो है लिक्विड फॉर्म में है। ये थोड़ा सा जो है बहुत ज़्यादा थिक नहीं होता एंड बहुत ज़्यादा लिक्विड ही नहीं होता, बट ये जो है ये प्योर लिक्विड है। जैसे इसको आप पानी में डालेंगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से घुल जाएगा। अब जैसे ही हम बात करते हैं शिलाजीत के बारे में, तो बहुत सारे लोगों ने एक अपने माइंड में बहुत ही गलत धारणा बना रखी है कि नहीं ये सिर्फ यौन शक्ति को बढ़ाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये इसे मेन एंड वुमेन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली ये अगर आपकी एनर्जी लो हो गई है या फिर आप पेट में लाइक पथरी हो गई है या फिर अगर आपके पेट में स्टोन्स है, पथरी स्टोन सेम ही होता है, तो जो इस तरीके के चीज़ों में भी ये आपको दिया जाता है। इसकी पैकेजिंग की तो आप देख सकते हैं, पैकेजिंग इसकी बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल है, बहुत अच्छे तरीके से पैक हो गया है। एंड इसको जब हम ओपन करते हैं तो इस तरीके से आपको एक मैनुअल भी मिल जाता है। इसमें आपको सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं कि आपको किस तरीके से इसे यूज़ करना है। और बात करें इस पैकेजिंग की तो आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल पैकेजिंग में आता है गाइस। एंड यहाँ पे जो है एक आपको स्पून मिल जाता है, बहुत छोटा सा स्पून है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना होता है, आपको जस्ट वन स्पून लेना होता है। आप देख सकते हो कितना छोटू सा स्पून है, इसी से आपको लेना होता है। यहाँ पे जो है हमारा शिलाजीत मिल जाता है, इसको है आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से क्लीन करता है। अगर आपकी यूरिनरी में कोई प्रॉब्लम है उसको भी क्लीन करता है। गाइस आपकी नर्वस सिस्टम के जो रोग हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। एंड गाइस आपकी बॉडी को रिज्यूनेट करने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, तो इसको बहुत सारे तरीकों से ले सकते हैं। आपके चेहरे पर अगर चमक नहीं है, ग्लो नहीं रह गया है, तो भी आप डेली नियमित रूप से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके चेहरे पर बहुत अच्छा ग्लो आता है, चमक आता है। एंड गाइस आप देख सकते हो इसको मैं डेली यूज करती हूँ, एंड दिस टाइम मैंने कोई भी मेकअप वगैरह नहीं कर रखा है। आप देख सकते हैं फेस जो है मेरा कितना क्लीन है, बहुत ही क्लियर करता है आपकी स्किन को, आपकी बॉडी में आपके चेहरे पे एक अलग से ही ग्लो प्रोवाइड करता है अगर आप इसे डेली यूज करते हैं तो। काफ़ी अच्छा होता है, आपके स्टमक को भी बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करता है, आपकी बॉडी को क्लीन करता है, बेसिकली आपकी बॉडी को रिज्यूनेट करता है। नर्वस सिस्टम के जो रोग हैं उन सबको जो है ये जड़ से ख़त्म करता है। कुछ स्टोन की प्रॉब्लम है उन सारी चीज़ों में भी डॉक्टर आपको बहुत ज़्यादा सजेस्ट करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। इसे अगर आप डेली नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई किसी भी प्रकार का रोग नहीं होगा, उन सब में बहुत अच्छा होता है। अगर आपको कोई बीमारी नहीं भी है, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं भी है, तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके चेहरे पे चमक रहती है, बहुत सारे रोगों से मुक्त रखता है, आपको बहुत सारे रोगों से बचाता है। एंड बात करें सेकेंड प्रोडक्ट की तो आप देख सकते हैं वो कुछ इस तरीके से लिक्विड फॉर्म में आता है। तो अगर आप नहीं लेना चाहते हैं ये वाला शिलाजीत तो आप ले सकते हैं ये वाला, दोनों सेम ही है एंड सेम तरीके से ही वर्क करते हैं। तो एक कुछ इस तरीके की पैकेजिंग के साथ आया है गाइस, एंड इसमें भी आपको एक छोटू सा स्पून मिल जाता है। तो आपको इसी से जो है नाप की वन स्पून ये डालना है, एंड आप इसको पानी के साथ, ग्रीन टी के साथ और मिल्क के साथ, तीनों चीज़ों के साथ ले सकते हैं। ये 30 ml की क्वांटिटी में आता है, इसके साथ आपको एक स्पून मिलता है, एंड ये लिक्विड फॉर्म में है तो जस्ट आपको वन स्पून लेना है। अगर आप ग्रीन टी ले रहे हैं तो उसके साथ ले सकते हैं, एंड मॉर्निंग में इसको लेना है। अगर आप मिल्क पी रहे हैं तो मिल्क के साथ ले सकते हैं, आपको एक गिलास मिल्क लेना है एंड एक चम्मच ये लेना है, एंड उसको आपको अच्छे से मिक्स कर देना है। तो इसको आप ग्रीन टी, वाटर और मिल्क के साथ ले सकते हैं, तो यानी आप तीनों चीज़ के साथ ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है एंड इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है गाइस। तो ये आपकी बॉडी में बहुत ही तरीक़ों से काम करता है, एंड अगर आपकी एनर्जी लो हो गई है, अगर आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं काम करके, बहुत ज़्यादा जो है मेहनत वाला काम नहीं कर पाते हैं, आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, उन कंडीशन में भी आप इसको ले सकते हैं। उन कंडीशन में बहुत ज़्यादा लाभदायक है गाइस। एंड उपकर्मा आयुर्वेदा आपको नेचुरल सोर्स से बहुत ही ओरिजिनल एंड नेचुरल प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, तो आप देख सकते हैं ये दोनों ही काफ़ी अच्छा है। ये आपको 999 में मिल जाएगा, यानी आपको 1 rupees कम 1000 rupees में ये मिल जाएगा। एंड अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ये भी ले सकते हैं।
दोनों सेम ही वर्क करते हैं, दोनों काफ़ी अच्छे हैं, आप दोनों में से कोई सा ले सकते हैं। बट हाँ, इसको लेने से आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपको ट्राई कर सकते हैं डेली नियमित रूप से। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आपको प्रोडक्ट को कैसे लेना है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो आपको इस तरीके से वाटर लेना है, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया है, आप छोटा सा ग्लास में ले सकते हैं। एंड उसके बाद से जो है आपका जो लिक्विड फॉर्म है, क्योंकि ये प्योर है, ये प्योर शिलाजीत है, तो इसको थोड़ा सा जो है आपको शेक करना है। एंड उसके बाद से जस्ट आपको पी साइज लेना है। अगर आप रेसिन फॉर्म वाला ले रहे हैं, अगर आप लिक्विड फॉर्म वाला ले रहे हैं, तो आपको एक छोटे स्पून से वन स्पून मेजर करना है। इसमें स्पून भी दिया हुआ है, तो इतना लेके इसमें आपको मिक्स करना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसको मिक्स करते ही आप देख सकते हो पूरा ब्लैक काइंड ऑफ हो गया है, तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट क्योंकि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, बेनिफिशियल है, तो आपको लेना चाहिए एवरीडे। तो इसको जस्ट आपको सिप सिप करके और एक ही बार में आप जैसे लेना चाहते हैं वैसे ले सकते हैं आप। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी और सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप। परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। सो या गाइस, मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।